नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रक्षा गुराटे और आप देख रहे हैं i4U न्यूज। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे पार्टी संगठन को फिर से बनाने के लिए निकल पड़े हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि राज्य में एकनाथ शिंदे की सरकार जल्द ही गिर जाएगी, क्योंकि ये अवैध तरीके से बनी है। आदित्य ठाकरे ठाणे जिले के भिवंडी शहर में 3 दिवसीय शिव संवाद यात्रा शुरू होने के मौके पर बोल रहे थे। जिले में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आदित्य के पिता उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पिछले महीने ही गिर गई थी। दरअसल शिंदे की अगुवाई में पार्टी के अधिकतर विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। उद्धव ठाकरे ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की एवं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने रैली में कहा कि एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में विकास कार्य किए, लेकिन मौजूदा सरकार की कैबिनेट में सिर्फ 2 सदस्य शिंदे और फडणवीस हैं। महाराष्ट्र राज्य बाढ़ का सामना कर रहा है, लेकिन इस स्थिति के बीच में वे बागी हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम ऐसे हथकंडों पर ध्यान नहीं देंगे। मुझे यकीन है कि ये सरकार गिर जाएगी, ये अवैध तरीके से बनी है। उन्होंने बागी विधायकों को इस्तीफा देने और फिर से चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर शिंदे सरकार क्या कहते हैं, और जैसा आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सरकार गिर जाएगी वैसा सच होगा। न्यूज डेस्क i4U न्यूज। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए i4U न्यूज और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।